हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया यानी कार्य करना। कोई भी आप कार्य करते हैं, आप सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मतलब कुछ भी कार्य जो भी आप करते हैं या कोई भी कार्य जो अपने आप भी होता है, स्वतः होने वाला और स्वयं करने वाला कोई भी कार्य होता है, उन शब्दों को जिन शब्दों से किसी कार्य का करना होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब एक थोड़ा सा यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, अनुच्छेद दिया है, उसको पढ़ के आप समझ में आएगा आपको कि क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, अंकिता अपने मम्मी पापा के साथ घूमने गई। वह उसने दुकान से कुछ खिलौने खरीदे और चाट पकौड़े खाई, कुछ खेल भी खेले। चाट पकौड़े खाकर और खेल खेल कर अंकिता बहुत प्रसन्न थी। बाद इसके बाद वे घर लौट आए। अब जो ये लाल कलर के रंगीन शब्द हैं, ये रंगीन शब्द सारे क्या है, क्या बता रहे हैं आपको? क्रिया, कार्य का करना बता रहे हैं, होना बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी ऊपर आपने ये सब देखा, उसमें रंगीन शब्द हटा दिए जाएँ, अगर जो भी क्रियाएं जो हैं वो अगर हटा दी जाए तो क्या आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहता है कोई? जैसे अब जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ, अंकिता अपने मम्मी पापा के साथ मॉल, बस ये हटा दूँ तो क्या आपको क्लियर होगा? उसने दुकान से कुछ खिलौने, बस ये हटा दूँ तो, अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि क्रियाएं अगर हटा दी जाएं तो किसी भी वाक्य के अर्थ का बोध नहीं होता, हमें समझ में नहीं आता कि वाक्य हमसे क्या कह रहा है। तो किसी कार्य का के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है, विकारी मतलब परिवर्तन होने वाला। इसमें लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। जैसे लिंग परिवर्तन कैसे होगा, वचन कैसे होगा, काल कैसे होगा, ये एग्जांपल्स आपको दिखा रही हूँ मैं। लड़का पढ़ रहा है, एक वचन है तो पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, सॉरी ये लिंग है ना, तो लड़का क्या है? पुल्लिंग। और ये लड़की स्त्रीलिंग है, तो क्रिया बनेगी पढ़ रहा है, और लड़की है तो क्रिया बनेगी पढ़ रही है, तो बदल गया, यहाँ क्रिया बदल गई, इसलिए ये विकारी शब्द है। वचन, लड़का लड़कों ने गाने गाए, लड़के ने गाना गाया, यहाँ भी लड़के और लड़कों के साथ क्रिया बदल गई तो ये वचन के साथ परिवर्तन हो गया। अब ये है काल, लड़का पढ़ रहा था, पास्ट टेंस हो गया यानी भूतकाल हो गया, और लड़का पढ़ेगा यानी भविष्य काल हो गया, ये काल परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो आगे क्या है? कोई भी वाक्य क्रिया के अभाव में अपूर्ण होता है, पूर्ण मतलब अधूरा होता है, जिसमें वाक्य जो जिस वाक्य में क्रिया ना हो तो वो वाक्य अधूरा होता है। जैसे सिंपल सी बात देखिए, मोहित बाजार, उसके बाद क्या? पता नहीं, ये तो खाली है। मोहित बाजार अब गया है कि आएगा, जाएगा, क्या होगा, कोई इस बात को समझ ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर यहाँ कहा जाए कि मोहित बाजार गया तो समझ में आ जाएगा गया। यहाँ तो मोहित बाजार जाएगा भी हो सकता है, आएगा भी हो सकता है, गया भी हो सकता है। आगे देखिए, कुछ क्रिया स्वयं घटित होती है और तो कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे अचानक वर्षा होने लगी, ये स्वयं घटित हुई। सीमा ने छाता खरीदा, ये सीमा के द्वारा की गई क्रिया है। ठीक है, तो कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती है और कुछ क्रियाएं एक से अधिक शब्दों की होती हैं। क्रिया में अब क्या होता है, जैसे राहुल बाजार गया, एक शब्द की क्रिया, राहुल बाजार चला गया, ये दो शब्द की क्या है। ये जब हम आपको अभी क्रिया की वो समझाएंगे ना भेद, तो उसमें चलेगा पता कि एक शब्द की क्रिया को क्या कहते हैं और दो शब्द की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती है। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे माँ के लिए चाय बना दो, एक क्रिया, और रीमा पुस्तक पढ़कर सो गई, ये दो क्रिया, पढ़कर ये पहले पढ़ाई की और फिर सो गई, दो क्रियाएँ हो गई। एक तो पढ़ना भी क्रिया है और एक सोना भी क्रिया है। क्लियर, अब आगे क्या है? धातु, क्या क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, जैसे सुन, पढ़, बढ़, और धातु में ना प्रत्यय लगा करके हम क्या बनाएंगे, क्रिया का सामान्य रूप बनाएंगे। जैसे पढ़ पढ़ना, लिख लिखना, हंस हंसना, सीख सीखना, गिन गिनना, कर करना, गा गाना, राइट। ये वाक्य आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब क्रिया के भेद देखते हैं, क्रिया के भेद कितने हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं दो, कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं होता, और
क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चे हंस रहे थे, तान्या सो रही है, सवेरे जल्दी उठा करो, शिवम तेज भागता है। इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, मतलब कौन हंस रहा है, बच्चे, बच्चे करता हुए, कौन सो रहा है, तान्या, तान्या सवेरे जल्दी उठा करो, सवेरे क्या मतलब जल्दी जो उठने की क्रिया है ना, उठने की क्रिया कैसे की जा रही है कि सुबह जल्दी उठा करो, ठीक है। शिवम तेज भागता है, भागता कौन है तेज, शिवम। अब देखिए आगे, इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, अतः यहाँ कर्म नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ क्रिया अकर्मक हो जाएगी। यहाँ क्रिया अकर्मक हो गई, ठीक है। विशेष क्या होता है कर्मक में, अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या और किसे लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा, वो क्या होगा, क्रिया आपकी कर्म होगा, और अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो क्रिया आपकी अकर्मक होगी बिना कर्म के। और ये अकर्मक क्रियाएँ, ये जो क्रियाएँ हैं सारी अकर्मक होती हैं। कौन कौन सी, देखिए, उठना, बैठना, रोना, जागना, आना, हंसना, गाना, सॉरी हंसना, आना जाना, उठना, गिरना, सब कुछ, ये जितनी क्रियाएं हैं सारी की सारी कैसी होती हैं, अकर्मक होती है अपने आप में, ठीक है। अब सकर्मक क्रिया देखिए, सकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया में क्या होगा, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कर्म होता है, कर्म अवश्य होगा इसमें, इसीलिए तभी इसे सकर्मक बोलेंगे, ठीक है। जैसे रीना ने काम कर लिया, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, विशाल पतंग उड़ा रहा है, साक्षी केला खाती है। जैसे हम अगर क्या और किसे लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर मिलता है तो कर्म है, उत्तर नहीं मिलता है तो कर्म नहीं है। जैसे रीना ने क्या कर लिया है, काम, उत्तर मिला यानी ये कर्म है। विशाल क्या उड़ा रहा है, पतंग, तो कर्म है ये। ड्राइवर क्या चला रहा है, गाड़ी, तो गाड़ी कर्म हो गया। साक्षी केला खाती है, क्या खाती है, केला, तो ये कर्म हो गया। अब क्या होगा, अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, कौन सी, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वो होती है जिसमें एक कर्म होता है, और द्विकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें दो कर्म होते हैं। अब ये देखिए, एक कर्म यानी पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार एक कर्म हो गया। मजदूर पुल बना रहा है, पुल भी एक कर्म हो गया। कामिनी खाना खा रही है, खाना भी एक कर्म हो गया। पेड़ से फल तोड़ लो, फल भी एक कर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर दो कर्म हैं, इसीलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है, माली किसको पानी दे रहा है, पौधों को। माली पौधों को क्या दे रहा है, पानी, हो गए दो कर्म। नर्स ने किसको दवा दी, रोगी को। नर्स ने रोगी को क्या दी, दवा, हो गए ना दो कर्म। तो इस प्रकार से किसको और क्या लगाने से जब हम आंसर मांगते हैं तो जो संज्ञा के रूप में आंसर आता है तो उसे हम कहेंगे कर्म यानी सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब ये आप इसे आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने शॉर्टकट में समझाया है ना, ये वही है सब कुछ। जब समझ में ना आए तब जूम क्लास में पूछ लेना, अदरवाइज मैसेज में पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद मेरे हिसाब से तो ये भी एक बार आपको समझा देती हूँ, मे भी आपको समझ में ना आता हो, चलिए देखते हैं। देखिए, सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए कर्ता से पूर्व क्या और किसको जोड़कर प्रश्न करते हैं, यदि उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है, उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक कहलाती है। लाइक, चैतन्य सो रहा है, क्या सो रहा है, कोई उत्तर नहीं मिला। कौन सो रहा है तो मिलता, लेकिन क्रिया से उत्तर नहीं मिला। विशाल पतंग उड़ा रहा है, विशाल क्या उड़ा रहा है, पतंग, तो क्रिया सकर्मक है। माने बच्चे को, माँ बच्चे को लोरी सुना रही है, तो माँ बच्चे को क्या सुना रही है, लोरी, तो लोरी कर्म हो गया। अब लोरी किसको सुना रही है, बच्चे को, बच्चा भी कर्म हो गया, तो द्विकर्मक क्रिया हो गई यहाँ पर। अब देखिए, मूल धातु, जो ये मूल धातु है, मूल धातु से अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया का शब्द बनता है। कैसे बनता है वो शब्द, आप देखिए, एक तो कोई क्रिया स्वयं हो और एक की जाए, यानी जैसे उड़ है, उड़ना, उठना, चलना, ये सब क्या है, देखो, उड़ से उड़ना अकर्मक क्रिया है, उड़, पक्षी उड़ गई, कोई बात नहीं, लेकिन पक्षी को उड़ा दिया तो सकर्मक बनेगी। उठना, उठा दिया, उठाना, सकर्मक बन गई। चल, चलना और चलाना, कट, कटना और काटना, ये यही फर्क है इनमें और इनमें, यानी अकर्मक। और कोई काम अगर आपके द्वारा कर दिया जाए तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, स्वतः हो जाए तो अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं भेद नंबर दो पर, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ओके बेटा। तो तब तक के लिए गुड डे।